आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप की एग्जाम डेट की रिगार्डिंग। एक नोटिस वायरल हो रहा है, उस नोटिस के अंदर एग्जाम डेट भी अपनी मेंशन की हुई है। नोटिस के अंदर जो एग्जाम डेट दी हुई हैं वे हैं 22 अगस्त से 26 अगस्त तक आपके एग्जाम कंडक्ट करा लिए जाएंगे। इससे पहले एक वीडियो में आपके लिए बता चुका हूँ कि आपका एग्जाम कब होगा, जो नोटिस वायरल हो रहा है वो रियल है या फेक है, बट उसके अंदर थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई। एंड जो इसके बाद वीडियो आया उसके अंदर मैंने आपको बताया कि उस नोटिस पर मेरी रिसर्च चल रही है और जैसे ही कंप्लीट होती है आपके लिए मैं बता दूंगा, ठीक है। तो फाइनली हम लेके आ चुके हैं आप सभी के लिए वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर सब कुछ क्लियर कर दूंगा, भिन्न भिन्न पैरामीटर्स के ऊपर हम बात करेंगे, आपके लिए फाइनल कंक्लूजन निकाल के दूंगा ये रॉन्ग है या फिर रियल है, ठीक है। तो वीडियो में देखते रहिए यदि आपको इंटरेस्ट है, अदरवाइज आपको लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप छोड़ के भी जा सकते हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आप सभी के लिए मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगा। और आपको नहीं बताया तो सेकेंड चैनल है PDF ज्ञान, वहाँ पर GK के MSQ टाइप क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हो सकते एक बार विजिट ऑन करके ज़रूर से देखिएगा। आने वाले दिनों में वहाँ पर एयरफोर्स और नेवी की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कराई जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं नोटिस के बारे में, कौन सा नोटिस वायरल हो रहा है सबसे पहले मैं बताता हूँ, उसके बाद फिर भिन्न भिन्न पैरामीटर्स की भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो नोटिस है आपके सामने जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा है। डियर सर, ग्रीटिंग ऑफ द डे, दिस टू इन्फॉर्म यू दैट ड्यू टू COVID-19 पेंडेमिक एंड एज पर हेल्थ इंस्ट्रक्शन आगरा इज नो लॉन्गर लिस्टेड फॉर द अगस्त स्टार एग्जाम 2020, सो वी आर रिलीजिंग योर सेंटर फॉर द अगस्त 2020 डेट्स दैट इन 26 अगस्त 2020 योर सेंटर इज फ्री टू कंडक्ट एनी अदर इवेंट ऑन द सेड डेट। सॉरी फॉर द अनकन्वेंशियस कॉस्ट, ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग ए हेल्दी एंड ट्रस्टेबल रिलेशनशिप विद यू। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको पहले भी मैंने आपके लिए बताया था, अभी भी बता दिया, DBS के अंदर आपको दिखाई दे रही हैं। अभी बात करता हूँ कि किन किन पैरामीटर्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले पैरामीटर्स की बात करते हैं अनलॉक 3 की गाइडलाइंस के बारे में। तो अनलॉक 3 की गाइडलाइंस आपकी आई थी 1 अगस्त को जो गाइडलाइंस आई थी उनके अंदर आप देख सकते हो स्वयं से पढ़कर। ये आपके सामने टीम करियर 300 साइट करके एक न्यूज वेबसाइट है, जितनी भी न्यूज वेबसाइट है वहाँ पर आपको अनलॉक 3 की सारी गाइडलाइंस मिल जाएंगी। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जो येलो में हाईलाइट है उसके अंदर लिखा हुआ है द MHA। देखिएगा, आपके लिए बिल्कुल क्लियर करूँगा, इसलिए आपके लिए विद प्रूफ लाया हूँ। तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सही से समझा सकूँगा आपके लिए, अदरवाइज बाद में आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए MHA-Unlock 3 गाइडलाइंस सेज आफ्टर एक्सटेंसिव कंसल्टेशन विद स्टेट्स एंड UTS इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट स्कूल कॉलेज एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स विल रिमेन क्लोज टिन August 31, 2020। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 31 अगस्त तक आपके स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थान हैं जो बंद रहेंगे, ये यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि भारत सरकार की अनलॉक 3 की गाइडलाइंस के अंदर मेंशन है। अभी देखिए यहाँ पर जो नोटिस वायरल हो रहा है इसके अंदर जो डेट्स दी हुई हैं वो डेट्स हैं आपकी 22 से 26 अगस्त। तो देखिए जो अनलॉक की गाइडलाइंस जारी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो ये जो डेट्स दी हुई हैं ये बिल्कुल फेक हैं। इस डेट्स पर आपका एयरफोर्स का एग्जाम कैसा ही नहीं हो सकता, क्योंकि एयरफोर्स से भारत सरकार से थोड़ी ना ऊपर है भाई। होपली आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, आगे और भी लिखा हुआ है, योर सेंटर इज फ्री टू कंडक्ट एनी अदर इवेंट ऑन द शेयर डेट्स। तो इसकी बात करें इस लाइन की तो ज़्यादा कुछ इस पर बातचीत करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यदि इस तरीके से लिखा जाता है तो एक तरीके से मैनेज करने के लिए वर्ड ये लाइन यूज की गई है, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। एंड आप सभी को पता होगा काफ़ी अभी भी ऐसे स्टेट है जहाँ पर लॉकडाउन जारी है, ठीक है। तो लॉकडाउन जारी है और कहीं ना कहीं बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका एग्जाम सेंटर दूर जाएगा तो उनके लिए आने जाने की भी परेशानी रहेगी। तो ये तो सब कुछ होगा, और जब लॉकडाउन ही जारी है तो वहाँ पर आना जाना कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई, ठीक है ना, आप खुद सोचो। और इस मेल की बात करें तो मे भी हो सकता है कि ये मेल अनलॉक 3 की गाइडलाइंस आने से पूर्व ही आगरा के लिए भेज दिया होगा, जो कि आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है या फिर कोई भी स्कूल या कॉलेज होगा जहां पर आपका एग्जाम होना होगा। लेकिन बात करें करंट की सिचुएशन की, तो करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम 31 अगस्त से पहले नहीं होगा, ठीक है। तो कंक्लूजन पर हम निकल के आते हैं कि जो नोटिस दिया हुआ है बिल्कुल रॉन्ग है, इन डेट्स पर आपका एग्जाम कतई नहीं हो सकता, समझ रहे हो ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसका ये मतलब नहीं है आपको अपनी स्टडी छोड़ देनी है, आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए और करते रहिए। जब भी एग्जाम होगा आपको फोड़ कर ही आना है, इसलिए अपने प्रिपरेशन को मजबूत रखिए। तो इन्हीं वर्णों के साथ आज की इस वीडियो का समापन करते हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और उसको सेलेक्ट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा सबसे पहले। एंड सेकंड चैनल को अभी तक विजिट ऑन करके नहीं देखा है तो हो सके तो एक बार विजिट ऑन करके जरूर से देखिएगा। तब तक के लिए खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो। जय हिंद,
वंदे मातरम। और कोई डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलें। स्टार्टिंग के टाइम में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ओपन रखूँगा, लेकिन बाद में यदि ऐसा होता है कि आपके बैड कमेंट देखने के लिए मिलते हैं तो डेफिनेटली इसका कमेंट ऑफ कर दिया जाएगा। इसका यह मतलब नहीं है कि वीडियो के अंदर जो पैरामीटर्स आपके लिए बताए गए हैं वो गलत हैं। वीडियो के अंदर जो जानकारी दी गई है वो 101% रियल है एंड सटीक है, ठीक है। अब देखते हैं आपके कमेंट क्या आते हैं, कैसा नहीं आता है, और देखते हैं कमेंट ऑफ करता हूँ या फिर नहीं करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।